नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाशु गुलेरिया ज्ञानमैटिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल ज्ञानमैटिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं नेक्स्ट टेस्ट इस वीडियो सीरीज़ में अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली डील करेगी रेलवेज़ के आरआरबी जेई एग्ज़ाम से और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम से। उसमें एक सेक्शन रहता है CBT 1 में रीजनिंग, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो स्पेशली डील करेगा रीजनिंग से, ठीक है। दो तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम इस मॉक टेस्ट 1 में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियोस के PDF चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम नाम से एक ऐप आती है प्ले स्टोर में, उसे डाउनलोड कीजिए। उसमें एक चैनल ज्ञानामेटिक्स जो है वो आपको सर्च करना पड़ेगा, ज्ञानामेटिक्स नाम से आपको एक चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको सभी के सभी जो भी वीडियोस की PDFs हैं या PPTs हैं वो आपको वहाँ पे अपलोडेड मिलेंगी। मोरोवर डेली वहाँ पे हिंदू जो है वो अपलोड की जाती है, तो अगर आप हिंदू की द हिंदू की PDF चाहते हो तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक मॉक क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज इज सिचुएटेड एट। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आपके ऑप्शंस हैं बेंगलोर, सिकंदराबाद, चेन्नई और वडोदरा। तो आउट ऑफ दीज फोर आपको बताना है कि ये जो कॉलेज है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट में यानी टेस्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा या बताऊँगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्शंस ये हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपकी ये प्रॉब्लम दी है, आपको जो है इसका सॉल्यूशन बनाना है, देन यू हैव टू सॉल्व दीज 5 क्वेश्चंस। तो आपको ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। आपको स्टेटमेंट दी है, ABCDE एंड F, दीज 6 लेटर्स आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको 6 लेटर्स दिए हैं तो 6 स्पेस बना लीजिए सर्कुलर टेबल के लिए, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब दूसरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट आपको क्या करना है ये पढ़नी है, ठीक है। ए एंड सी आर सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ए एंड सी जो है वो दो तरह से यहाँ बैठे जा सकते हैं, ठीक है। ए इधर इस पोजिशन में बैठा हो सकता है या फिर ए जो है वो राइट में बैठा हो सकता है, ठीक है। ए जो है लेफ्ट में हो सकता है, इधर लेफ्ट में हो सकता है सी के, या फिर राइट में हो सकता है सी के। अब आपको पोजीशन कैसे देखनी है, मान लीजिए आपको लेफ्ट राइट बोला है कि ए के लेफ्ट में सी है या फिर बी के लेफ्ट में आर है या जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, वो आपको चेक कैसे करना है। इसका सिंपल सिंपल जो तरीका है, सिंपलेस्ट वे वो है कि मान लीजिए आप ए को रेफरेंस ले रहे हो तो खुद को ए की जगह प्लेस करके देखो। एंड दूसरी चीज़ इसमें कहा है कि ये सेंटर की तरफ देख रहा है, तो ठीक है, आप मान लो ए की जगह बैठे हो और आप सेंटर की तरफ देख रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड जो होगा वो इस साइड को होगा और राइट हैंड जो होगा वो सी की साइड को होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ई एंड बी आर ऑल्सो सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ई और बी जो है वो इन 4 स्पेसेस में कहीं भी आ सकते हैं, तो ई और बी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ई और बी को सिंपली ऐसे लिख सकते हो। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, एफ के बिल्कुल लेफ्ट में है। तो एफ जो है वो बी के साथ आएगा, ठीक है। ई बी एफ जो है वो ऐसे ही प्लेस किए जाएंगे। नेक्स्ट है, देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन डी एंड ई। तो यहाँ 2 प्रोबेबिलिटी बनती हैं, या तो आप लिख सकते हो ई बी एफ, ये चीज़ तो फिक्स है, ई बी एफ जो है वो इस तरह से ही आ सकते हैं और कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो डी और ई के बीच में 2 बंदे हैं या 2 पर्सन हैं, तो वो आइदर डी जो है वो यहाँ आ सकता है, ठीक है, 2 ऑलरेडी प्लेस्ड हैं बी और एफ, या फिर 2 स्पेस बना के आप डी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 4 जो हैं वो प्लेस हो गए, 2 बचे ए एंड सी। अब लास्ट स्टेटमेंट कहती है कि ए जो है वो एडजेसेंट टू ई नहीं है, मतलब ई के बिल्कुल साथ जो है ए नहीं है, तो ए जो है वो यहाँ नहीं आ सकता। मोरोवर ए जो है वो लास्ट में भी
नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक सर्कल है, तो ये जब क्लोज होगा तो ये ई के साथ जुड़ेगा। तो इससे क्या क्लियर होती है चीज़ कि ए जो है इधर यहाँ आएगा या फिर ए जो है वो यहाँ आएगा, और लास्ट जो लेटर आपके पास बचा वो है सी, वो या तो यहाँ आएगा या फिर ये लास्ट में सी आएगा। अब यहाँ देखिए, ये दोनों की दोनों जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट क्या ये सिमिलर ही हैं, क्योंकि ये सर्कल है तो ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा। आप अगर ई टू सी पढ़ोगे कहीं से भी, एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप पढ़ोगे, तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो ये चीज़ अब आप इस प्रॉब्लम में डाल के देखो, ठीक है? तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, डी ए के बाद डी है, देन वी हैव एफ, देन वी हैव बी, देन वी हैव ई, ठीक है? ये जो है सॉल्यूशन इस तरह से आपके पास बनेगा। मैं दोबारा से सॉल्यूशन आपके लिए लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। सॉरी, ये सिटिंग प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा करके आपको समझा देता हूँ। ए, देन वी हैव डी एफ, देन बी ई एंड सी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन जो है इसका आ गया, इसे नोट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो इसी सॉल्यूशन से किए जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन एफ एंड ई इफ वी गो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एफ टू ई। तो आपके पास जो सॉल्यूशन था वो था कुछ इस तरह से, ठीक है? मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ए डी एफ बी ई एंड सी। तो आपसे पूछा है कि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो एफ टू ई कितने पर्सन इन बिटवीन आएंगे? एफ ये रहा, ई ये रहा, तो वन वन टू एंड थ्री। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, थ्री। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया एक ही डायग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है? तो फटाफट मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, ए बी डी एफ ई एंड सी। तो आपसे पूछा है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई कौन है, तो ये रहा ई, ई के लेफ्ट में है सी और बी है राइट में, तो सी आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर है ए सी। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्शन दी है 3 to 5 क्वेश्चन के लिए, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टन वे बेस्ड ऑन देयर सीटिंग पोजिशंस, ठीक है? आपके चार जो हैं वो सीटिंग पोजिशन के बेस पे सिमिलर हैं, एक ऑड वन है आउट ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स, तो आपको ऑड वन जो है वो पिक करना है। इसका आंसर जो होगा वो ऑड होगा। तो यहाँ फटाफट मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ साइड में आपकी ईज के लिए, ए बी देन वी हैव डी हेयर एफ ई एंड सी। तो देखिए बी ए पहला, बी एंड ए, बी और ए जो हैं वो ऑपोजिट हैं, ठीक है? बी और डी, बी और डी देख लेते हैं, अगले देख लेते हैं, सी एंड एफ, सी एंड एफ ऑपोजिट हैं, डी एंड ई ऑपोजिट हैं, एफ एंड सी, एफ एंड सी भी ऑपोजिट हैं। लेकिन बी और डी की बात करें, ये जो हैं ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। आउट ऑफ दीज फाइव बी और डी जो है वो ऑड है, तो इसका सही आंसर रहेगा बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए सॉरी मैंने सारा मिटा दिया, एक बार फिर से मैं आपके लिए ये डायग्राम लिख देता हूँ। आई होप आपने भी साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो आपके पास ये डायग्राम अवेलेबल होगा और आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है? तो देखिए पहला है बी ई सी, बी ई सी, दूसरा है सी ए डी, सी ए डी। तो ये क्लॉकवाइज जो हैं वो सीरीज में आ रहे हैं वर्ड, एफ डी ए, एफ डी ए, तो यहीं पे ये उल्टा चला गया है, तो आंसर जो है वो यही है। लेकिन आपको क्या करना है, ये बाकी भी एक बार देख लेने हैं, ठीक है? अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो प्लीज़ बाकी भी चेक कर लीजिएगा। डी एफ बी, डी एफ बी ये सेम है, ए डी एफ, ए डी एफ भी आपका सिमिलर है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, और ये इस पजल का लास्ट क्वेश्चन है, ए सी, ठीक है? फर्स्ट आपके पास दिया है ए एंड सी, तो ए सी जो है वो कुछ इस तरह से पैटर्न में है, देन ई बी, ई बी भी सिमिलर है, ई जो है वो बी के लेफ्ट में है, सी ई, सी जो है वो ई के लेफ्ट में है, ए एफ, ए और एफ जो हैं इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ए और एफ जो है उस तरह से रिलेटेड नहीं है।
लास्ट है डीए। डीए की बात करें तो डी जो है वो ए के लेफ्ट में है, तो इसका सही आंसर रहेगा डी। तो देखिए कितनी आसानी से ये 5 के 5 सवाल आप कितनी जल्दी कर पाओगे अगर आप ये सीटिंग प्रॉब्लम कर लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रेट लाइन पजल क्वेश्चन। तो डायरेक्शन दी है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 के लिए। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके पास 6 जो हैं पर्सन दिए हैं, लेटर्स दिए हैं QRST एंड TU एंड V, आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ये सीटेड हैं और ये फेस कर रहे हैं नॉर्थ को। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट जो दी है वो है एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, ये टी है और एस जो है वो सेकेंड राइट में है, एंड टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो टी जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हो आई होप। एस जो है वो राइट में है टी के लेकिन सेकेंड। ठीक है, एस जो है वो राइट में है टी के, राइट में है टी के लेकिन सेकेंड राइट में है। फर्स्ट राइट ये पोजीशन है, सेकेंड राइट ये पोजीशन है। उसी तरह टी जो है वो सेकेंड राइट है क्यू के। ठीक है, क्यू के राइट में है टी। अगली स्टेटमेंट है आर इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। आर जो है वो लेफ्ट है क्यू के, तो आर आ गया बिल्कुल लेफ्ट क्यू के। एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी है मतलब ये जो स्पेस है यहाँ पे वी आ जाएगा और एक लेटर बचा उसकी जगह आएगी यहाँ पे, डेट इज यू। तो ये आपके पास सीरीज बन गई आर क्यू वी टी यू एंड एस। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, अगले 4 क्वेश्चन जो हैं वो इसी पैटर्न में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, आर क्यू वी टी यू एंड एस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन टी एंड वी। तो टी और वी के बीच में कितने पर्सन हैं। टी ये आपके पास है और वी जो है वो साथ में ही है, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, एक भी पर्सन जो है वो इन दोनों के बीच में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 of the following 5 आर अलाइक इन सर्टन वे बेस्ड ऑन देयर सीटिंग पोजिशन। ठीक है, सीटिंग पोजिशन वही सेम क्वेश्चन है और आपको ऑड वन आउट इसमें से चूज करना है। क्यू एंड वी, क्यू वी साथ में है, वी एंड टी, वी एंड टी भी साथ में है, यू एंड एस भी साथ में है, यू एंड टी। अब यहाँ पे यू एंड टी जो हैं वो ऑपोजिट दिए हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो है डी। लास्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं, आर एंड क्यू, आर एंड क्यू साथ में है, तो इसी तरह इसका आंसर रहेगा डी। देखिए कितनी जल्दी आंसर जो हैं वो आ रहे हैं। एक बार आपको सिर्फ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, एक बार आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे भी, आर क्यू वी टी यू एस। तो क्यू की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये रहा एस, क्यू की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एस क्या होगी। तो पहली चीज जो है वो है लेफ्ट में क्यू के, तो 1, 2, 3 और 4, तो फोर्थ लेफ्ट है, तो इसका सही आंसर रहेगा फोर्थ लेफ्ट। तो पहला ऑप्शन है थर्ड टू द लेफ्ट, इमीडिएट नेक्स्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू लेफ्ट एंड नन ऑफ दीज, 1, 2, 3, 4। तो फोर तो नन ऑफ दीज में है, तो इसका सही आंसर रहेगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी फटाफट आपके लिए ईज के लिए लिख देता हूँ आंसर, वी टी यू एंड एस। तो ये है आर क्यू। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट टू एक्सट्रीम्स। तो टू एक्सट्रीम्स आपको क्लियर है आर और एस हैं, तो आर और एस जो हैं वो कहाँ दिए हैं, एस एंड आर, डेट इज डी। तो इसका आंसर है सही डी, क्योंकि आपको ये नहीं बोला है कि लेफ्ट और राइट जो है वैसे लिखना है, तो एस एंड आर भी हो सकता है एक्सट्रीम। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इफ एस इज रिलेटेड टू टी, एस और टी रिलेटेड हैं, मतलब टी जो है वो सेकेंड लेफ्ट है एस के, और टी और क्यू रिलेटेड हैं, टी जो क्यू जो है वो सेकेंड लेफ्ट है टी के, देन यू यू इज हाउ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यू के साथ कैसे रिलेटेड होगा, तो यू जो है वो यहाँ पे है, तो यू जो है वो वी के साथ रिलेटेड होगा। ठीक है, उसी तरह देखा जाए पैटर्न में, तो वी जो है वो सेकेंड लेफ्ट रहेगा यू के, तो इसका सही आंसर रहेगा बी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको ये दोनों प्रॉब्लम कैसी लगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।